फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो प्रभास की मच अवेटेड फिल्म स्पिरिट की कास्टिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट है। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट में विलन के कैरेक्टर के लिए जाने माने कोरियन एक्टर मादोंग सियोक को कास्ट कर लिया है। और वहीं कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हमें प्रभास के अपोजिट कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय बच्चन देखने को मिलेंगी। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि स्पिरिट की कास्टिंग को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें, प्रभास की ये फिल्म एक बड़ी एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट करेंगे। और वहीं मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग 2024 के एंड से स्टार्ट करेंगे। और ज्यादा चांसेस है कि प्रभास की ये फिल्म हमें दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में देखने को मिले। रणवीर सिंह की एक नई फिल्म आने वाली है जिसमें हमें उनके साथ आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, रणवीर सिंह की ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें हमें थ्रिलर से भरी एक मिशन बेस्ड स्टोरी देखने को मिलेगी। और वहीं इस फिल्म को डायरेक्टर आदित्य धर डायरेक्ट करेंगे। अभी तक इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर कहा जा रहा है मेकर्स ने इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है जिसकी शूटिंग मेकर्स आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे। और वहीं कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह की इस फिल्म का टाइटल धुरंधर होने वाला है जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स आने वाले कुछ दिनों में करेंगे। रामचरण की आने वाली फिल्म गेम चेंजर को लेकर एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, रामचरण ने गेम चेंजर में अपने पोर्शन की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और वहीं मेकर्स इस फिल्म के बचे हुए पोर्शन की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। आपको बता दें, रामचरण की फिल्म गेम चेंजर एक पॉलिटिकल एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर शंकर डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें रामचरण के साथ कियारा आडवाणी और एस जे सूर्या लीड रोल में देखने को मिलेंगे। अभी तक इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर कहा जा रहा है कि रामचरण की ये फिल्म हमें क्रिसमस 2024 में देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि रामचरण की फिल्म गेम चेंजर की रिलीज डेट क्या होती है। प्रशांत वर्मा के सिनेमेटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्म जय हनुमान से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि प्रशांत वर्मा जय हनुमान में हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए चिरंजीवी और रामचरण से बात कर रहे हैं। और अगर चिरंजीवी और रामचरण में से कोई भी इस फिल्म के लिए हां करते हैं तो जय हनुमान में हमें चिरंजीवी या रामचरण हनुमान जी के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, जय हनुमान प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है जिसकी शूटिंग मेकर्स आने वाले कुछ महीनों में स्टार्ट करेंगे। और ज्यादा चांसेस है कि डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिले। और अगर आपको जानना हो कि प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स में टोटल कितने सुपर हीरो देखने को मिलेंगे और इस यूनिवर्स में टोटल कितनी फिल्म आने वाली है, तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नानी की आने वाली पैन इंडिया फिल्म सरिपोदा सनिवारम से मेकर्स ने नानी और प्रियंका मोहन के पोस्टर को रिलीज किया है। आप यहां पर इन दोनों पोस्टर को देख सकते हैं। आपको बता दें, नानी की ये फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर विवेक अत्रेया ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें नानी के साथ प्रियंका मोहन और एस जे सूर्या लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और नानी की ये फिल्म हमें 29 अगस्त 2024 को तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन से मेकर्स ने रणवीर सिंह के जन्मदिन पर उनके कैरेक्टर सिम्बा के एक नए पोस्टर को रिवील किया है। आप यहां पर इस पोस्टर को देख सकते हैं। आपको बता दें, अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन कॉप यूनिवर्स की पांचवी फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और अजय देवगन की ये फिल्म हमें दिवाली 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने अपने रिलीज के दूसरे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। और इसी के साथ किल ने 2 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 3 करोड़ 90 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं मेकर्स ने पोस्टर डालते हुए बताया है किल ने अपने दूसरे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया है। और इसी के साथ किल ने 2 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 55 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म किल का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। और वहीं बात करें कल की 2898 AD की तो कल की 2898 AD ने अपने रिलीज के 10वें दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु वर्जन से 11 करोड़ 20 लाख रुपए, हिंदी वर्जन से 18 करोड़ रुपए, तमिल वर्जन से 3 करोड़ रुपए, मलयालम वर्जन से 1 करोड़ 50
₹50 लाख और वहीं कन्नड़ा वर्जन से ₹45 लाख का कलेक्शन किया है। और इसी के साथ कल की 2898 एडी ने 10 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 462.70 करोड़ का नेट कलेक्शन और 554.30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं कल की 2898 एडी ने अपने रिलीज के 10वें दिन में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 205 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ कल की 2898 एडी ने 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 759.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि कल की 2898 एडी का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।